सवेरा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या हम आपके साथ आज एक दिन गुजार सकते हैं स्कूल में? बिल्कुल। कहाँ लेके जा रही हैं आप हमें? कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में? केमिस्ट्री की क्लास है। नाइन। चलें, लेट्स गो। केमिस्ट्री की तैयारी है पूरी? जी मिस, आज मेडिकल का टेस्ट है, वहाँ टेस्ट देने जाना है जल्दी। टेस्ट है? जी मिस। ओह माय गॉड, तैयारी की है? डर लग रहा है? डर, देर हो रही है। अच्छा, फिर हम तुम्हें छोड़ देते हैं। केमिस्ट्री कैसी लगती है आपको? मिस बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि केमिस्ट्री मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है, और एक मिस ऐसा समझाती है, क्लास में बैठे बैठे याद भी हो जाता है, और क्लास में टेस्ट, डेली टेस्ट होता है तो याद ऑलरेडी हो जाता है। मुश्किल नहीं लगती आपको? नो, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट आप हमें कहाँ लेके जा रही हैं? कौन सी क्लास है? स्पोर्ट की क्लास है, बट मैं आप लोग को अपने स्कूल के ग्राउंड में लेके जाऊँगी। सबसे अच्छा गेम कौन सा लगता है स्पोर्ट्स में? फुटबॉल। अच्छा, और फुटबॉल में आप क्या खेलती हो, कौन सी पोजीशन? गोलकीपर और डिफेंस। स्कूल में फुटबॉल के अलावा कौन से स्पोर्ट्स होते हैं? फुटबॉल के अलावा थ्रोबॉल, ओकी, बास्केटबॉल, और जो है क्रिकेट, बहुत सारे डिफरेंट गेम होते हैं। थक गई? यस मिस, थक तो गई हूँ, पर अभी जो है ना दो पीरियड स्लीप के हैं, वहाँ जाके आराम से बैठ के पढ़ना। सवेरा, कंप्यूटर लैब में मैथ्स कर रही हो? नो मिस, ये कंप्यूटर लैब नहीं, ये मैथ्स लैब है, और यहाँ हम लोग कंप्यूटर पर लेक्चर सुनकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अरे वाह, क्या बात है, हम टीचर से पूछते हैं इसके बारे में। मिस, ये कोई स्पेशल प्रोग्राम है? जी, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ करते हैं मैथ्स पढ़ाने के लिए, और इससे आसानी होती है कि स्टूडेंट बहुत ईजिली सॉल्व कर लेते हैं, टीचर बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर लेती हैं। सॉरी यार, मैं तुम्हारे सामने प्लास्टिक की बोतल लेके आई यार, सॉरी। अब तुम लेक्चर शुरू मत कर देना खुदा के वास्ते। सवेरा, सुना है आप स्कूल में प्लास्टिक की दुश्मन के नाम से मशहूर हैं? यस मिस, मेरी फ्रेंड्स भी डरती है प्लास्टिक इस्तेमाल करने से, और मेरे घर में भी कोई इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं और पॉल्यूशन भी ज़्यादा बढ़ रहा है इसकी वजह से। अच्छा, आप इस मसले को हल करने के लिए आप खुद क्या कर रही हैं? मिस, मैं अपने स्कूल में ग्रीन फोर्स में हूँ, और मैं क्लाइमेट मार्च में भी गई थी। मिस, इसमें तो प्लास्टिक की बॉटल्स का हार पहन के उनका जनाजा निकाल दिया था। अच्छा चलो, मैं लाइब्रेरी चल रही हूँ यार, मुझे लाइब्रेरी जाना है। तवीरा, ये देखो, मैंने ये बुक सिलेक्ट की है प्रोजेक्ट के लिए, क्लाइमेट चेंज। इसमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है और डायग्राम्स भी हैं। तवीरा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? LM की क्लास में। LM क्या होता है? वो लाइफ इस हमारी लाइफ इसके लिए क्लास होता है जिसमें हम अपनी हिफाजत करना सीखते हैं। सवेरा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मिस, अब आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, आर्ट रूम जा रहे हैं? मिस, आर्ट रूम में पर आज हमारी यहाँ म्यूजिक क्लास होगी। वाओ सवेरा, आप लोग म्यूजिक में क्या क्या सीखते हैं? मिस, हम म्यूजिक में तबला, गिटार, वायलिन, पियानो और सिंगिंग, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, सब सीखते हैं। बट आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा गिटार पसंद है, और मैं गिटार बजाती हूँ। जब फ्री टाइम मिलता है तो पियानो में चली जाती हूँ, या वायलिन में, तो वहाँ भी कुछ कर लेती हूँ। आपको तो म्यूज़िक का लगता है बहुत शौक है, मुझे लगता है आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो आप एक दिन में कितना टाइम गुजारती हो म्यूज़िक पे? हफ्ते में 3 दफ़ा हमारी म्यूज़िक की क्लास होती हैं, और
हम सब बच्चों को गिटार घर के लिए दिया गया है और घर पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे गिटार प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, अब कहाँ लेके जा रही हो आप हमें? अब मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलवाऊंगी। वाओ यार अलमीरा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने बताया ही नहीं तुम टूर्नामेंट जीत कर आई हो। हमें भी बताओ क्या जीत के आई हैं। मिस, ये मेरी दोस्त अलमीरा है और ये चेस टूर्नामेंट रेंजर्स के साथ जीत कर आई हैं। और ये अब बताइए, बताओ। मिस, हम पहली दफ़ा ओपन यूथ कैटेगरी में खेलने गए थे चेस टूर्नामेंट, तो मैंने सेकेंड पोजिशन लिए वहाँ से, तो इससे मेरे टीचर्स और फ्रेंड्स बहुत सरप्राइज हुए। आपने चेस कहाँ खेलना सीखा था? मैंने चेस अपने स्कूल से खेलना सीखा। हर हफ्ते मेरी क्लास होती है यहाँ पे, तो मैं जब घर जाती हूँ तो घर जाके मैं खेलती हूँ, और अपने पापा मैं घर में अपने पापा के साथ खेलती हूँ और उन्हें हरा भी देती हूँ। क्या हाल चाल है बेटा? ठीक हूँ मैं। तुमने मुझसे मिलने आना था? मैं सॉरी, अभी मैं लेट हो रही आर्ट क्लास के लिए, फिर मैं बाद में आऊंगी। जरूर। अच्छा ठीक है, ओके। सवेरा, आर यू इन ट्रबल? नो, ये हमारे स्कूल के काउंसलर हैं समर आंटी, और जो बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं हम इनके पास जाके डिस्कस करते हैं। आपकी फ्रेंड अलमीरा भी हैं। अलमीरा, आप आर्ट भी करती हैं चेस के साथ साथ। अच्छा, आर्ट में आपने क्या क्या सीखा है? आर्ट में मैंने पैब्लो पिकासो के एब्स्ट्रैक्ट सीखे हैं, क्यूबिज्म और इम्प्रेशनिज्म और बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। अच्छा, यहाँ पे आपकी एक पेंटिंग लगी हुई है, ये अभी आपके टीचर ने मुझे पॉइंट आउट किया है, इसके बारे में कुछ बताएं, ये क्या है? ये पैब्लो पिकासो की एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाई है और ये मैंने खुद से बनाने की कोशिश की। Wonderful. अच्छा, यहाँ पे एक रिसाइकलिंग का भी असाइनमेंट लगा हुआ है न्यूज़पेपर का, इसके बारे में मुझे बताएं ये क्या है? ये मैं न्यूज़पेपर को रिसाइकलिंग किया है ताकि लोग उसको वेस्ट कर देते हैं, तो हमने रिसाइकलिंग करके उसको खूबसूरत चीज़ें बनाई। सवेरा, थैंक यू यार, पूरा दिन आपने हमारे साथ गुजारा, थक गई होंगी। इट्स ओके, मैं छुट्टी हो गई मगर दिल नहीं चाहता घर जाने का। क्यों? इसको मैं बहुत मजा आता है, एंजॉय बहुत करती हूं। A day in the life of a government school student can be so much more. This holiday season, give the gift of holistic education to strengthen Pakistan. Donate to Zindagi Trust today.